बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अदनान और आप देख रहे हैं राना अदनान यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप के लिए ऐलान किया गया, 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, लेकिन उनमें शोएब मलिक और अमाद वसीम को शामिल नहीं किया गया। हालाँकि इनका UAE में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, ख़ासतौर पर शोएब मलिक का, क्योंकि उन्होंने UAE में बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेली है और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान को ऐसे लेजेंड की टीम में ज़रूरत भी है, क्योंकि एक लेजेंड प्लेयर का, एक एक्सपीरियंस प्लेयर का टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ताकि क्योंकि इससे जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी शोएब मलिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और हम समझते हैं कि इस टीम में शोएब मलिक का होना ज़रूरी है और इससे आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें भी शोएब मलिक का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कि क्या शोएब मलिक को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में होना चाहिए या नहीं। अल्लाह हाफिज़।